अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे इंदौर से, एक और बड़ी खबर है। मसाला व्यापारी ने सूदखोरों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, मरने से पहले वीडियो भी बनाया व्यापारी ने। वीडियो में पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। सूदखोरों ने घर की जमीन दुकान सब बिकवा दी, 10% से रुपए ब्याज पर लिए थे मृतक वीरेंद्र सेन ने। शंकर शर्मा, राजूपाल, सुनील रैकवार को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है व्यापारी ने, और इस मामले में पुलिस ने मामला पंजीकृत भी कर लिया है। इंदौर के आजाद नगर थाना का ये मामला है। एक व्यापारी की खुदकुशी से मामला गंभीर हो चला है। दरअसल न केवल व्यापारी ने खुदकुशी की बल्कि एक वीडियो भी बनाया और उसमें कई लोगों के नाम भी लिए हैं। आरोप भी लगाया है कि कई इन सभी लोगों के चलते वो ये कदम उठा रहा है। माननीय कमिश्नर महोदय, हम इन लोगों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं मरना नहीं चाहता था, बाकी इन लोग नहीं जीने दे रहे। आज मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे गांव से जमीन बिकवा दी, दुकान बिकवा दी, इसके बाद भी अभी भी ये लोग नहीं जीने दे रहे, ना काम करने दे रहे हैं, गोडाउन पे आके गाली तो करते हैं। बहुत परेशान हो गया हूँ साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ। एक एक साल पुराने मैंने बच्चों के पीछे नहीं रह पाए, इन 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 लोगों के पीछे। शंकर शर्मा, राजू पाल, सुनील रैकवार, इन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया। 2016 से इनको मूल भी दिया, 10% इनने ब्याज लिया, और आज 4-4, 5-5 लाख, 7-7 लाख के केस लगा। और जबलपुर से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रेलवे के 3 अधिकारी कर्मचारियों को सीबीआई ने दबोचा है। कटनी में ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले रिश्वत मांगी गई थी इन अफसरों के जरिए। भोपाल से आई सीबीआई की टीम आरोपियों को अपने साथ ले गई है। कटनी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्रिज बनाने का ठेका श्री जी कंपनी को दिया था। ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे की मंजूरी के बदले मांगी गई थी रिश्वत। ठेका कंपनी से करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, और रिश्वत लेने और देने वालों को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के समीप नीलांबरी गेस्ट हाउस के पास देर रात सीबीआई ने दबिश दी और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। सीबीआई ने दबिश देते हुए 3 लोगों को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। ये रेलवे के 3 अधिकारी बताए जा रहे हैं। और कटनी में चूंकि ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले बताया जा रहा है कि इनके जरिए रिश्वत मांगी गई। न्यूज 18 संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, और क्या जानकारी इन 3 से जुड़ी हुई? जी प्रशांत, इस मामले में अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें एनएचएआई, रेलवे के अधिकारी और ठेका कंपनी, ये 3 के बीच का ये पूरा मामला है। और सीबीआई को इसकी शिकायत मिली थी कि रेलवे के अधिकारियों ने एनओसी देने के लिए, ब्रिज निर्माण के लिए जो एनओसी की जरूरत थी रेलवे से, उसके निर्माण के लिए एनओसी में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, और 3 अधिकारियों के इसमें शामिल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि एनएचएआई के अधिकारियों को भी जो कंपनी श्रीजी कंपनी है जिसे ठेका दिया गया था, उसके साथ साथ एनएचएआई के अधिकारियों को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और भोपाल लेकर ले जाया गया है इन सभी आरोपियों को जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले में। जो अभी तक जो इनपुट मिला है उसमें कि कटनी में एक ब्रिज का निर्माण होना है, जिसमें रेलवे से एक एनओसी की जरूरत थी एनएचएआई को, और जो कंपनी है ठेका कंपनी उससे रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि एनएचएआई के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी दोनों ही मिलकर इस रिश्वत का खेल रहे थे। तो सरकारी विभागों में रिश्वत का एक ये बड़ा मामला सामने आया है, जिससे पूरा हो सकता है जांच हो और कुछ और तस्वीर निकल कर सामने आए। बहुत शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए। खबर रतलाम से है, बड़ी खबर है। जावरा में 2 स्कूली गाड़ियों में टक्कर हो गई है, 6 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे में टर्न पर अचानक स्कूली बस मुड़ने से बताया जा रहा है कि यह हादसा पेश आया है। वहीं घायल बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर रतलाम से। रतलाम के जावरा में 2 स्कूली वाहन टकराए हैं और इस हादसे में 6 स्कूली बच्चे जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूली बस थी वो अचानक उसने टर्न लिया और इसी के चलते यह हादसा पेश आया है। सभी जो घायल बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें।
और सुधीर जैन न्यूज 18 संवाददाता रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या स्थिति अभी बच्चों की, घायल बच्चों की? देखिए, सभी बच्चे जावरा के सरकारी अस्पताल में एडमिट है, सभी आउट ऑफ डेंजर है। राहत की बात यही है, यहाँ पे 8 बच्चे करीब है जिन्हें चोटें लगी है और सभी का उपचार यहाँ पे चल रहा है। थोड़ी देर बाद इन्हें जो है यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद में इनको अपने घर भेज दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से रश ड्राइविंग स्कूली बसों द्वारा की जाती है और इसके बावजूद इन सभी लापरवाहियों को जानते हुए भी रतलाम आरटीओ कभी झांकने तक के नहीं जाते। वो तो रतलाम की बात छोड़िए आप, रतलाम शहर में वो कभी चेकिंग करने नहीं निकलते हैं। तो जावरा तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो मुझे नहीं लगता कभी रतलाम आरटीओ वहाँ पे चेक करने जाते होंगे। तो यही वजह है कि ओवर स्पीडिंग होती है, मनमाने ढंग से जो ड्राइवर है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्कूली बसों की जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। बावजूद उसके लगातार इस तरह के हादसे सामने आते हैं और आज भी देखने को मिला कि एकाएक जो है स्कूली बस है, त्रिमूर्ति ये स्कूली बस बताया जाता है जावरा का, उसने एक टर्न ले लिया और पीछे से ही एक पिकअप वाहन आ रहा था जिसमें बच्चों की जान खतरे में आए। शुक्रिया सुधीर। शेड्यूल से बड़ी खबर है, सीएम राइज स्कूल में छात्र से छेड़छाड़ हुई है। कक्षा 10वीं की आदिवासी छात्रा ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए। परीक्षा देकर लौटते समय ऑफिस में बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप है। व्हाट्सएप नंबर मांगकर रिलेशनशिप बनाने का दबाव इसने बनाया आदिवासी छात्रा पर और छात्रा ने मां के साथ जयसिंह नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर का ही मामला है। लाल पांडे सर जो इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ और कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कि स्कूल की जो और लड़कियां हैं वो डर गई, इसके कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। तो मैं रिपोर्ट लिखवा के मैं रिपोर्ट लिखवाई हूँ, तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। आप शिक्षक के विरुद्ध क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनका सख्त कार्रवाई। और खरगोन से बड़ी खबर है, रिहायशी इलाके में तेंदुआ नजर आया है। तेंदुए ने पुलिस आवासीय परिसर में डॉग का शिकार किया है। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है, बलवाड़ा के पुलिस थाने का मामला है। तो बड़ी खबर है खरगोन से, जहां तेंदुआ नजर आया है रिहायशी इलाके में। ये तस्वीरें देखिए आप, एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है, बताया भी जा रहा है। ये तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि एक उसने डॉग का वहां पर शिकार किया है। इसके बाद लोगों में डर का माहौल है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों की जान पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि तेंदुआ इस पूरे क्षेत्र में अगर विचरण कर रहा है, घूम रहा है। पुलिस आवासीय परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां तेंदुआ शिकार